Today, we are starting second level English speaking course. This course is specially designed for those students who can read and write but cannot make common sentences, cannot speak common sentences, cannot frame common sentences like saying their names. Jaisa mera naam Irfan hai, I am Irfan, I am Raj. Or they cannot say routine sentences also. I get up in the morning, I go to market, I go to college. Such sentences they cannot speak. So this course is specially designed for those students who can read and write. Who can read and write but cannot make sentences, cannot frame sentences and cannot speak the sentences. This course, second level English speaking course hai, jo khas kar un students ke liye design kiya gaya hai, jo likhna padhna to jante hai, but वो सेंटेंसेस नहीं बना पाते और उस सेंटेंसेस को बोल भी नहीं पाते. इसे कॉमन सेंटेंसेस से जो हमारे रूटीन के जो हमारे हैबिट के सेंटेंसेस है उनको भी बनाना उनके लिए डिफिकल्ट होता है और उनको बोलना भी डिफिकल्ट होता है. कई बार ऐसा भी होता है कि वो समझ भी नहीं पाते. इसलिए खास ये कोर्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है. चूँकि ये कोर्स इन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है सो हमने ये समझा है कि हमारे स्टूडेंट के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, जो कोर्स सिखाने की लैंग्वेज हो वो हिंदी और उर्दू मिक्स हो, क्योंकि उर्दू हमारा बैकग्राउंड है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है. तो कहीं ना कहीं ये दो मिक्स करके हम लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा होगा. ये इनिशियल स्टेजेस पे होगा. कोशिश करेंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते चीज़ों की, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट को समझना इनिशियली बहुत ज़रूरी होता है, तो हम हिंदी या उर्दू को यूज़ करेंगे. वंस आपके हमारे कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए, उसके बाद कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हो और ज़्यादा से ज़्यादा बातें इंग्लिश में. लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है कि उर्दू में या हिंदी में समझाना, वहाँ हम आपको उर्दू या हिंदी में ही समझाएंगे. बेसिकली किसी चीज़ का समझना अपने नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा ही है, ज़्यादा ईजी है कम्पेयर टू सेकेंड लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमारी नहीं है. तो हम इनिशियली कुछ लेक्चर्स में हिंदी और उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और आपको सिखाएंगे. जहाँ पे ज़रूरी होगा विल यूज इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू लिसन. हमने कोशिश की कि इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सेंटेंसेस बनाने की और सेंटेंसेस बोलने की. लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है कंसेप्ट को समझाना, वहाँ पे हमने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है, ग्रामर यूज़ किया है. एक बेसिक लेवल पे ग्रामर को समझना ज़रूरी है. विदाउट ग्रामर को समझे लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है, वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है इंग्लिश को बोलने के लिए. कि हम जिस एज में हैं वहाँ हमारा कॉन्शियस हाई अलर्ट पे होता है और हम समझते हैं कि हमारे लैंग्वेज हमारे सेंटेंसेस गलत ना हो, ताकि लोग हम पर हंसे ना या हमको इंसल्ट हमारा इंसल्ट ना हो, हमको एम्बेरसमेंट ना हो. तो इस तरह से हम कॉन्शियस रहते हैं और इसी वजह से हम फिर सेंटेंसेस बोल नहीं पाते. तो उस सेंटेंसेस का कंफर्मेशन हमको ग्रामर के जरिए आता है कि हमारा सेंटेंस सही है या गलत है. तो जहाँ पे ज़रूरी है ग्रामर को समझना और जहाँ पे ज़रूरी है ग्रामर को समझाना, वहाँ पे हमने कोशिश की है ग्रामर को एक्सप्लेन करने की. और आपको बड़े गौर से हर चीज़ को सुनना है, प्रैक्टिस करनी. इफ़ यू विल प्रैक्टिस यू विल स्पीक इंग्लिश, इफ यू नॉट प्रैक्टिस you can't speak English. Even it's a law, practice makes man perfect. Practice ही आदमी को perfect बनाती है. आपको practice करनी है, आपको डरना नहीं, आपको ये नहीं feel करना है कि मैं sentences नहीं बना पाऊँगा, मैं English नहीं बोल पाऊँगा. नहीं, you can speak, you can talk and you will speak English with us. तो आप English बोलोगे और हमको उम्मीद है पूरी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सारे लेक्चर्स को से सुनोगे तो इजीली आपको इंग्लिश आ जाएगा. इजीली आई एम नॉट सेइंग वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, इजीली. सेकेंड चीज़ है कि हमारे फर्स्ट कुछ लेक्चर है जिसमें हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आगे जाके सारा लैंग्वेज का बेस जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे समझाने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए वो यही टर्म्स होंगे, यही कॉन्सेप्ट्स होगी. तो आपको उस टर्म्स को भी गौर से सुनना है, समझना है और याद रखना है.
वरना आगे जाके हम कह अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये टर्म्स है, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, बी वर्ब्स हैं, तो ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, ये कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आगे जाके जब इनको यूज किया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पे एडवर्ब यूज करो, तो आपको इसीलिए समझ में आना चाहिए कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडवर्ब की पहचान कैसे की जाए, किस तरह से हम एडवर्ब को पहचान लें। तो इसीलिए फर्स्ट 5 लेक्चर और 6 लेक्चर कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस की तरफ ले जाए, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वंस आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आप इंग्लिश बोलोगे। आई एम श्योर यू कैन स्पीक इंग्लिश, बट वन थिंग, नीड कॉन्सेंट्रेशन, नीड प्रैक्टिस, अगेन नीड कॉन्सेंट्रेशन, नीड प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेकेंड लेवल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। चलो फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं सेकेंड लेवल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं इरफान सर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ। मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करने के बाद मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स किया, लॉ कोर्सेस किए और एक दो जगह पे जॉब भी किए, बट मेरा फोकस टीचिंग पे ज़्यादा, मेरा पैशन टीचिंग था, मैं टीचिंग फील्ड में आना चाहता था और इसीलिए मैंने ये कोशिश की कि अपने फील्ड को, अपने प्रोफेशन को टीचिंग प्रोफेशन बनाया। तो आफ्टर डूइंग मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एम कॉम, आई स्टार्टेड टीचिंग अकाउंट्स, आई स्टार्टेड टीचिंग कंप्यूटर्स। लास्ट 20 ईयर्स आई एम टीचिंग सो मैनी एप्लीकेशन इन कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस आई एम टीचिंग इन कंप्यूटर्स, इवन आई एम टीचिंग अकाउंट्स, ओके। एंड ऑल्सो वेन आई केम टू नो दैट language is also very important. Without language, degree or qualification is not so strong. It is not so strong without the language. So language is the backbone of anything. आपका communication, आपके पास knowledge है, you got a degree, you got knowledge, लेकिन आपके पास medium of communication ही नहीं है। आप अपने knowledge को explore ही नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को बात, आप interact ही नहीं कर सकते, तो how can you speak that particular, how can you explain those things which you know, how can you say those things which you know? So language is very important. जब हमने ये समझा कि language बहुत important है, तो हमने कोशिश की कि language speaking course भी शुरू की जाए। जब हमारे students ने admissions लेना शुरू किया, तो कई students vernacular medium से हुआ करते थे, जो non-English medium school से आते थे, या उनका उनकी नेटिव लैंग्वेज स्कूल इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, उनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे स्टूडेंट जब हमारे पास आते थे, हम उनको कंप्यूटर सिखाते थे, हम पैकेजेस सिखाते थे, प्रोग्रामिंग सिखाते थे, तो एक चीज़ समझ में आई कि बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इंग्लिश सीखना, लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी कंप्यूटर सीखना बहुत डिफिकल्ट है और सॉफ्टवेयर सीखना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही कमज़ोर थी। जब हमने ये देखा कि काफ़ी जगह पे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल लिखना लिखने पढ़ने में भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, इंग्लिश लिखने पढ़ने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो हमने कंसिडर किया कि विल स्टार्ट इंग्लिश कॉन्वर्जेशन कोर्सेस, इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट कोर्सेस, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। लास्ट 20 ईयर्स में हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मोर देन 20-30,000 स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए हैं। उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स थे, और ख़ासकर ऐसे बैकग्राउंड से थे जो डिफरेंट स्टेट से आते थे, जिनकी लैंग्वेज मीडियम स्कूल की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हुआ करती थी, और वो रेगुलर मीडियम से होते थे, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ और ऑल स्टेट से यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए। जब उनको देखा गया तो ये कंसिडर किया गया कि उनको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, और व्हाट वी थॉट कि हमारा फ़र्ज़ है उनको इंग्लिश सिखाना, वरना जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं करियर ओरिएंटेड, जो करियर प्रोग्राम हम उनको दे रहे हैं, विदाउट लैंग्वेज तो वो यूज़ में नहीं आ सकती, वो एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि उनको लैंग्वेज की तरफ
भी एफर्ट डालने के लिए इनकरेज किए और इस तरह से हमने उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू किया और इसके रिजल्ट्स बहुत काफ़ी अच्छे रहे। हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे जो कंप्यूटर सीखने के बाद कहीं जॉब उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, जब हमने उनको इंग्लिश सिखाई, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई, तब उनके लिए ईजी हुआ जॉब को लेना, इंटरव्यूज देना और ख़ुद का बिजनेस शुरू करना या खुद की कोई सर्विसेज शुरू करना भी ईजी हो गया। तो लास्ट 20 ईयर्स में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और इसीलिए अब उन्हीं स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम कोशिश करें कि हमारे ऑडियो वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन आ जाए और आपको इसका फ़ायदा हो, हमारे उन स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो जो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, हम पे डिपेंड थे।